जितने सिम्टम्स है उन्हीं की सूची बना करके आप सर्वे आप जो दे रहे वो तो भेज दिया, मैं सर्वे सौंपा किया जा कर किया। Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. किसी भी जिले से बाहर से अभी कोई भी आया विद इन 14 डेज हिस्ट्री है उसको तुरंत स्क्रीनिंग करना है, 100% करना है। इसमें चाहे उन्होंने कहा जितनी भी जरूरत हो आप हमें अवगत करवा दें, हम राशन आपको उपलब्ध करवा देंगे। साथ में मंडी सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, इनसे भी कल व्यापारियों से बुला के चर्चा कर ली थी। उन्होंने कहा साहब इस तरह के पॉकेट बड़े लेवल पे है नहीं यहाँ पे, लेकिन जहाँ छोटे है वहाँ पे मान लीजिए जो सक्षम नहीं है लोग उनके क्वारंटीन की व्यवस्था आप कहाँ करोगे, कोई चिन्हित किया? सर अभी हम भी है और इसके अलावा भारत सरकार का है सर, ये संस्थान बना हुआ है कोड़ा में, यहाँ पे काफी बड़ा है सर, उसमें भी 250 लोग। कोरोना वायरस के संबंध में जो राज्य सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं और जो धारा 144 की संख्या 5 और 5 से अधिक व्यक्ति की कर दी गई है, उसके बारे में आज सभी SDMs के साथ, ब्लॉक CMHOs के साथ, तहसीलदार और BDOs के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है और मुख्य रूप से ये निर्देश दिए गए हैं कि धारा 144 की पूर्ण पालना होनी चाहिए। कहीं पे भी व्यापारिक प्रतिष्ठान या दुकान ऐसे खुले हुए हैं जो कि निगेटिव लिस्ट में हैं जिनको बंद रहना चाहिए, उनको तुरंत प्रभाव से बंद कराएं। ये सुनिश्चित करें कि कहीं पे भी 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति जमा नहीं हो और इसके साथ साथ जो भूखे निराश्रित बेसहारा लोग हैं उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था की जानी है उसके लिए सभी SDMs को निर्देशित कर दिया गया है। सभी EO नगर पालिका कमिश्नर नगर परिषद नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि ऐसे जो भी बेसहारा लोग हैं, जो भूखे हैं, जो कहीं से भी अपनी भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते हैं, उनकी सूची बना लें और उनके लिए फूड पैकेट्स तैयार करके वितरण करने की कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा अगर कहीं से भी कोई कंप्लेंट आती है तो उसके लिए हमने कंट्रोल रूम्स हमारे एक्टिव हैं और सभी के OIC बने हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं जनता से भी आग्रह करना चाहूँगा क्योंकि अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है तो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, जब बहुत आवश्यकता हो तभी निकले और जहाँ तक हो सके अपनी जो भी चीज़ें हैं वो एक ही घर से एक ही व्यक्ति निकले जो भी परचेज़ करनी है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि सभी जागरूक नागरिकगण इस जो निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं उसकी पूर्ण पालना करें। सर अभी तक कितने संदिग्ध अजमेर जिले में मिल चुके हैं, कि होम आइसोलेट हो चुके हैं? 164 लोगों की हमने होम आइसोलेशन किया। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।